हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक यूनिवर्सल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी एक अच्छे होम ट्यूटर आप कैसे बन सकते हैं। आपको अगर अच्छा होम ट्यूटर बनना है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो बहुत मस्ट है। मैं अच्छे ट्यूटर की बात कर रही हूँ, ठीक है। वैसे आप देखते होंगे आपके एरिया में बहुत सारे ट्यूटर हैं, लेकिन कुछ ट्यूटर सिर्फ अपनी अर्निंग का साधन बनाते हैं स्टूडेंट्स को, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो अपने पास बुलाते हैं, आते हैं उनके पास। और आप देखेंगे कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे जो है बच्चे जाते हैं स्टूडेंट्स। एक शौक सा लगा होता है, एक ट्रेंड सा बना होता है कि वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ पे कुछ खास होगा, कुछ अच्छी पढ़ाई होगी वहाँ पे। बट आप खुद ही सोचिए, जब वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स यानी 500 हजार एक बैच में अगर पढ़ रहे हैं, और वहाँ पर जो है माइक का यूज करना पड़ रहा है टीचर्स को, तो आप सोचिए क्या स्टूडेंट्स वहाँ पे अपनी क्वारी कर पाएंगे? क्या स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे सारे बैठे हैं वो क्या अपनी बात को वहाँ पे पूछ पाएंगे, अपने क्वेश्चन को पुट कर पाएंगे कि सर या मैडम व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जो भी उनको प्रॉब्लम है क्या वो इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में सॉल्व कर पाएंगे? क्योंकि टीचर्स इतने सारे स्टूडेंट्स का जवाब नहीं दे सकते। टीचर्स तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे मार्कर से अपना समझा के उनके हिसाब से बच्चों को समझ आए या ना आए, टीचर्स आते हैं, अपना टाइम पूरा करते हैं 1 आवर का, और उसके बाद बच्चों को समझ आए या ना आए ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। बट मैं होम ट्यूटर्स की जहाँ तक बात करूँ, अगर आप शुरू करने वाले हैं होम ट्यूशन या आप हैं ऑलरेडी, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप अपने बैच में स्टूडेंट्स को रखते हैं बच्चों को, तो आप 10 से ज़्यादा ना रखें। और ऐसा भी ना करें कि आपने 5th क्लास के भी बुला लिए एक बैच में, 10th के भी बुला लिए और 9th के भी बुला लिए। अगर आप तीन तीन क्लासेस के बच्चे जो है एक ड्यूरिंग वन पीरियड आप एक समय में अगर आप हैंडल करोगे अपना टाइम सेव करने के लिए, तो फिर इससे बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी समझ नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे ट्यूटर बनना चाहते हैं, आप एक लॉन्ग पीरियड तक अपनी मार्केट में वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो आपको जो है अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चों को अलग अलग टाइम पे आपको कोचिंग देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप इकट्ठा सबको बुला देते हैं तो इसमें सबको डिस्टर्बेंस होगा और इससे किसी की भी समझ में ज्यादा कुछ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि आप फीस कैसे रखें। आपके आसपास के इलाके में जितनी फीस मार्केट में चल रही है, उसे अगर आप इनिशियली यू आर स्टार्टिंग योर कोचिंग सेंटर, देन यू हैव टू स्टार्ट बाय मिनिमम अमाउंट। मिनिमम इट मीन जितना मार्केट में बच्चों को पढ़ाने का प्राइस लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, ट्यूशन फीस जिसे कहते हैं, उससे हल्की सी थोड़ी सी अगर आप कम फीस लेते हैं तो आपके पास स्टूडेंट आएंगे, ठीक है। कई पेरेंट्स की पॉकेट अलाउड नहीं करती है बच्चों की फीस देने के लिए, तो कुछ पेरेंट्स जो है वो ढूंढते रहते हैं कि कोई हमें अच्छा ट्यूटर मिल जाए जिसे हमें कम पैसे देने पड़े और बच्चे को भी अच्छा नॉलेज, बच्चा भी नॉलेज गेन करता रहे। तो आप अपनी फीस जो है मार्केट प्राइस से थोड़ी सी कम रखें। सेकेंडली मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं, तो एक घंटा अपना टाइम सेव रखने के लिए 1 घंटा ना पढ़ाएं, आप 1.5 से 2 घंटा बच्चों को पढ़ाने के लिए दें। इससे क्या होगा कि पेरेंट्स रियलाइज करेंगे कि और जगहों से बेहतर आप जो है, जो ट्यूटर है, नया ट्यूटर है, वो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 घंटे स्पेंड करता है, ठीक है। तो उस 2 घंटे में अगर बच्चों के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आता है उनकी लैंग्वेज में, उनके कम्युनिकेशन स्किल में और उनके मार्क्स में, तो इससे पेरेंट्स खुद रियलाइज करेंगे कि ये जो ट्यूटर है ये अच्छा है, अच्छे से बच्चों को
स्टडी करवाता है या करवाती है, ठीक है। तो आप टाइम का भी ध्यान रखें। और जैसे जैसे रूरल एरियाज में बच्चों को नीचे जमीन पर बैठा दिया जाता है, छोटे छोटे जो छोटे छोटे कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो कर सकते हैं ऐसा, बट वो नहीं करते हैं। वो बच्चों को जो है नीचे मैट बिछा के बच्चों को बिठा देते हैं और उसके बाद ट्यूशन देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप अपनी फर्स्ट इनकम या इनकम आपकी हुई भी नहीं है तो आप जो है डेस्क ले सकते हैं, या छोटी छोटी आप अगर बच्चे छोटे हैं तो चेयर ले सकते हैं जिसपे लिखने के लिए डेस्क बना होता है। और इस अगर 300-400 रुपए में एक चेयर ऐसी अवेलेबल हो जाती है तो अगर आप इनिशियली 2 या 3 आप इस तरीके से लगा देती हैं तो बच्चों को बैठने में कंफर्टेबल होगा। क्योंकि जब तक किसी पढ़ाई करने के लिए अगर बच्चा हम भी खुद अगर कंफर्टेबल नहीं होते किसी काम करने के लिए बैठने के लिए तो तब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता। तो उसके लिए डेस्क का यूज करें, चेयर्स का यूज करें। बच्चा जब कंफर्टेबली बैठेगा, लिखने के लिए उसे टेबल मिलेगा तो बच्चा जो है कंफर्टेबल जोन में रहेगा और उससे वो घर में आकर अपने पेरेंट्स को बताएगा कि मेरे ट्यूशन में तो ये सब फैसिलिटीज है और वहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके एक अपनी अच्छी रेपो बना सकते हैं। इससे धीरे धीरे आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपके पास आपने क्या क्या किया। आपने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया, 1 घंटे की जगह आपने 2 घंटा बढ़ाया। आपने और लोग जो कई लोग मैट में बच्चों को बिठाते हैं, आपने डेस्क का यूज किया, चेयर्स का यूज किया। आपने अपनी फीस बेहतर होते हुए भी आपने मार्केट में जो प्राइस चल रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए उससे आपने अपनी फीस को कम रखा, और आपने जो है अपने बैच को सीमित दायरे में रखा। आपने ज़्यादा आने के लिए उसमें ज़्यादा बच्चे नहीं बिठाए। तीसरी चीज, आपने जो है सारी के सारे बच्चों को, सारे स्टैंडर्ड क्लास के बच्चों को इकट्ठा मर्ज नहीं किया। तो अगर आपके अंदर ये सारे प्लस पॉइंट्स आ जाएंगे तो definitely you will be a good tutor, ठीक है। तो मैंने आपको आज बताया कि कैसे आप एक अच्छे ट्यूटर बन सकते हैं, और ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लाती रहूँगी। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें और साथ में लाइक भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।